तक आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको UPSI और UP Constable से जुड़ी सबसे तेज अपडेट। तो सबसे तेज अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन बनी हुई है उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 मेरिट भर्ती की, जानते हैं क्या हुआ। आपके सामने एक साक्ष्य है जिसे देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट नंबर 29 में न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और अभय कुमार जी की डिवीजन बेंच पुलिस भर्ती की सुनवाई की। यह बहस काफ़ी लंबे समय तक चली और अंतिम में कोर्ट ने अपना फैसला मेरिट भर्ती वालों के पक्ष में रखा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले राज्य सरकार ने इस विषय पर उसकी राय मांगी थी। अब राज्य सरकार ने भी मेरिट भर्ती के पक्ष में अपना निर्णय किया है, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि उसे अपने कार्यकाल में 1.5 लाख पुलिसकर्मी भर्ती करने हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार भी मेरिट भर्ती के पक्ष में जाना चाहती है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो गई है। अगर पिछला विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन जारी होता है तो ओवर एज अभ्यर्थी दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इससे ज़्यादा समय लग सकता है, जबकि यह भर्ती अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको UPSI और UP Constable से जुड़ी सबसे तेज अपडेट। तो अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आप लोग की भर्ती 100% तय है, बस आपको इंतजार इस बात से करना है कि ये भर्ती कब कराई जाएगी। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग नई भर्ती की तलाश में हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको UPSI और UP Constable से जुड़ी सबसे तेज अपडेट।